जॉर्डन में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को रजत पदक दिलाने वाले गोरखपुर के लाल गोविंद साहनी का गोरखपुर स्टेशन पहुंचने पर भाजपा के संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद सहित नागरिकों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। आपको बता दें कि जॉर्डन में 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया था, जिसमें 48 किलो भार में भारत को रजत पदक दिलाने वाले गोविंद साहनी का गोरखपुर स्टेशन पहुंचने पर भाजपा के सांसद प्रवीण निषाद ने फूल माला व बैंड बाजे के साथ स्वागत किया। इस एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 28 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। गोरखपुर के गोविंद साहनी ने क्वार्टर फाइनल में जीत हासिल कर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई और सेमीफाइनल में वह असफल रहे। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश से पहुंचने वाले गोविंद साहनी पहले खिलाड़ी हैं। उन्होंने भारत के नाम एक रजत पदक दर्ज करा दिया है, जिसके संबंध में संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद ने बताया कि बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को रजत पदक दिलाने वाले गोरखपुर के गोविंद साहनी ने गोरखपुर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है। पहले लोग पढ़ाई को ही तवज्जो देते थे, लेकिन मोदी व योगी सरकार आने के बाद खेल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब खिलाड़ी खेल में भी पदक जीत कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अब क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों को भी बढ़ावा मिल रहा है। वहीं इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर गोविंद साहनी ने कहा कि भारत में क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों की उपेक्षा होती रही है, लेकिन आज देश वापसी पर उनके स्वागत से वह काफ़ी खुश हैं। इस बार रजत पदक जीता है, गोल्ड से थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन अब और ज़्यादा मेहनत व लगन के साथ तैयारी करेंगे। मेरा अगला लक्ष्य ओलंपिक में गोल्ड जीतना है। इस सम्मान के लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद और अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी गोविंद साहनी ने कहा। To the right corner of Mario Brody, Wisconsin, it's Gobin Sahira. المهم جوزن كومار ساهين وهو المصنف الثالث على مستوى العالم ومباراة يتناسب. निश्चित तौर पर आज इस गोरखपुर की सरजमी का नाम रोशन करता है गोविंद साहनी जी का हम लोग स्वागत कर रहे हैं और पूरा निषाद समाज गौरवान्वित हो रहा है। और ये प्रदेश के दूसरे खिलाड़ी हैं कि जो कि बाहर बॉक्सिंग में जीत कर आए हुए हैं। और निश्चित तौर पर जो हम लोग का ध्येय है कि पहले लोग कहते थे कि पढ़ाई पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि जो खेलोगे कूदोगे तो होगे लायक, तो आज लायक बन के हमारे गोविंद साहनी जाएंगे इस गोरखपुर सरजमी पर। और हम सभी लोग निषाद समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोग भी इनका स्वागत करने के लिए आए हुए हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि है ये गोरखपुर के लिए? निश्चित तौर पर गोरखपुर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम लोग बॉक्सिंग को, एथलीट को, दौड़ को हम लोग कभी ध्यान में नहीं लेते थे, लेकिन आज हम उन्हीं खेलों में हम लोग गोल्ड जीत के आ रहे हैं, सिल्वर जीत के आ रहे हैं, ब्रॉन्ज जीत के आ रहे हैं। ये सारे मेडल जो हम लोग एथलीट में या बॉक्सिंग में जीत के आ रहे हैं, इससे हम लोग सभी लोग हमारा समाज और हमारा इस गोरखपुर की धरती और पूरा प्रदेश और देश गौरवान्वित हो रहा है। मेरा गोविंद कुमार साहनी नाम है सर। सर बॉक्सिंग में सर एशियन चैंपियनशिप में जो कि इंडिया का प्रदेश का पहला मेडल है सर, कि मैं यूपी से
पहला गया हूँ सर, सारे हरियाणा के सर खिलाड़ी हैं और मैं यूपी का एक लौता खिलाड़ी हूँ सर कि और गोरखपुर का खास। कितने देशों ने भाग लिया था? 28 देशों ने भाग लिया था सर, और इंडिया का, इंडिया में तीसरा, पूरे वर्ल्ड जो एशिया में था तीसरे नंबर पर था हमारा इंडिया। इंडिया देखा जाए बहुत बड़ी उपलब्धि है गोरखपुर के लिए, प्रदेश में पहले आप ऐसे चुने गए, क्या कहना, कितना लोगों का श्रेय रहा, किन किन लोगों में? सभी का रहा सर, एक तो प्रदेश है, पूरे देश का वो था सर, आशीर्वाद था जो भी सर, मुझे बहुत ही यहाँ तक मैं पहुँचा सभी का आशीर्वाद से, वजह से मैं पहुँचा सर। आज सांसद जी के द्वारा आपका सम्मान जी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे सर कि सभी लोग आए और मेरा सम्मान कर रहे सर। क्या लक्ष्य रखा? मैं सर ओलंपिक में गोल्ड जीतने का वो रख रहा हूँ, 2024 में आने वाला सर, उसकी तैयारी में कर रहा हूँ सर। अब वही है, अभी तो सर एशिया गेम्स है, उसकी अभी 4-5 महीने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है, उसकी प्रिपरेशन करना सर बढ़िया, जिसमें अभी इसमें गोल्ड नहीं आया मेरा, इससे थोड़ा जो मुझे कमी आई उसमें पूरा करना सर मुझे।